हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ मेकअप ब्रशेस ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से। सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गाइस, आज मैं जिन ब्रशेस का रिव्यू करने जा रही हूँ ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किए हैं और ये मुझे 199 में 10 ब्रशेस का सेट रिसीव हुआ है। इसमें 5 आपको फेस ब्रशेस मिलेंगे एंड 5 ही आपको इसमें आई ब्रशेस मिलेंगे। और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सॉफ्ट हैं और कलर भी मुझे इनका काफ़ी अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि ब्रशेस कितने सॉफ्ट हैं। और ये ब्रश है, फ्लैट है, थोड़ा सा फ्लैट टॉप है, इसको आप अपने फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी सॉफ्ट इसकी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा ब्रश है। आप जो ये सेकंड ब्रश है ये कॉन्टूरिंग के लिए काम आएगा, ये एंगुलर ब्रश है, आप इसको एज अ कॉन्टूर ब्रश यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी सा ब्रश है। और ये जो थर्ड ब्रश है ये आपके लिए चीक्स पर जो ब्लशर है वो यूज़ करने के काम आएगा, काफ़ी फ्लफी सा ब्रश है, बहुत ही अच्छा ब्रश है, तो आप इसे अपने चीक बोन्स पर ब्लशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास ये ब्रश है ये थोड़ा सा फ्लैट टॉप ब्रश है, आप इसको एज अ फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। और जो मेरे पास लास्ट ब्रश है ये बेकिंग के लिए हैं, आप इसे कोई भी अपने अंडर आई एरिया पर पाउडर के लिए या बेकिंग के लिए आप इसको अपने आई एरिया पर भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका टिप बहुत ही शार्प है। नेक्स्ट मेरे पास, उसके बाद मेरे पास ये जो है 5 आई ब्रशेज हैं। और ये जो मेरे पास जो सबसे पहला ब्रश है ये है एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, इससे आप अपने क्रीज एरिया में आई शेडो को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रश है। और जो नेक्स्ट जो ब्रश है ये थोड़ा सा एंगुलर ब्रश है, इसको आप क्रीज आउटर वी पे डेप्थ देने के लिए, कलर को प्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और प्लस ही अपनी नोज़ को कॉन्टूर करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। और जो नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्रश दिखा रही हूँ ये है, जो ये ब्रश है ये भी सेम उसी तरह का ब्रश है और एंगुलर ब्रश है, तो आप इसको नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करें। और जो नेक्स्ट ये ब्रश है ये थोड़ा सा फ्लैट है, तो आप छोटे छोटे एरियाज़ में कंसीलिंग करने के लिए इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई पिंपल है या छोटा सा डार्क स्पॉट है तो वहाँ आप अपना कंसीलर अप्लाई करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे पास लास्ट ब्रश है वो ये स्मजर ब्रश है, जिससे आप अपनी लोअर लैशेस को स्मज कर सकते हैं, लोअर लैशेस पर शेडो अप्लाई कर सकते हैं और इनर कॉर्नर पर हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रो बोन को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये ब्रशेज 199 में मुझे काफ़ी अच्छे लगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो इट्स अ गुड बाय। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।